भारत पाकिस्तान के सुपर फोर के पहले मुकाबले के अंदर भारतीय टीम को भाई शानदार 228 रनों की जीत मिली, लेकिन इसके बाद भाई पड़ोसी मुल्क यानी कि भाई पाकिस्तानी मुल्क को बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है। और आप सबको पता है भाई इस मिर्ची को सबसे ज्यादा एंजॉय कौन करता है भारतीय क्रिकेटर्स में से, भाई इरफान पठान एक ऐसा नाम है जो बिल्कुल इनको पोक करता रहता है, प्रोवोक करता रहता है और इनके एक एक ट्वीट का अपने भाई एक एक शब्द से जवाब देता है, जिसकी वजह से पड़ोसी मुल्क के भाई कुछ जर्नलिस्ट को, पड़ोसी मुल्क के बहुत सारे पॉलिटिशियंस को, बहुत सारे पत्रकारों को भाई बहुत ज्यादा मिर्ची लग जाती है। लेकिन भाई एक बार फिर जब पाकिस्तान की टीम को भाई शानदार तरीके से हार मिली और भारतीय टीम का भाई जलवा दिखा, 228 रनों का झटका मिला पाकिस्तान की टीम को, इसके बाद एक चीज तय थी कि इरफान पठान का ट्वीट आएगा और इरफान पठान का ट्वीट आया। इस बार सिर्फ टीवी से रिलेटेड नहीं, इस बार सिर्फ पड़ोसी मुल्क से रिलेटेड नहीं, इस बार जो ट्वीट था इरफान पठान ने भाई ट्वीट करके एक बड़े ही तंज भरे अंदाज के अंदर पाकिस्तानियों को मिर्ची लगाई। उन्होंने लिखा, खामोशी छाई हुई है काफी, लगता है पड़ोसियों ने टीवी के साथ साथ मोबाइल भी तोड़ दिए। अब यहाँ पर तो सिर्फ भाई इरफान पठान का ट्वीट था, इसके बाद इनके साथी वर्ल्ड कप 2011 में जिन्होंने गेंदबाजी की थी भाई बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था मुनाफ पट्टी, और वर्ल्ड कप 2011 के इस चैंपियन विनर तेज गेंदबाज ने इसको भी जवाब दिया, इरफान पठान के रिप्लाई को और ज्यादा बड़ा सा तीखा बना दिया और भाई अपना अंदाज के अंदर इस ट्वीट के ऊपर रिप्लाई किया, जिसके बाद से पड़ोसी मुल्क में और ज्यादा थोड़ा सा भाई तनाव बढ़ गया और भाई मिर्ची लगने वाली जो बात है वो चेरी ऑन टॉप हो गई, उसके ऊपर और ज्यादा मसाले डाले गए। तो भाई क्या लिखा है मुनाफ पटेल ने, आइए मुनाफ पटेल ने भाई इरफान पठान की ट्वीट को रिप्लाई करते हुए कहा, अच्छा है सैटेलाइट तक नहीं पहुंचे वरना आज तो वो भी खतरे में ही था। यानी कि जिस तरीके से भाई तुड़ाई हुई शाहीन अफरीदी की, नसीम शाह की, हारिस रॉफ की, पांच ओवर के स्पेल की, शादाब खान की, तो भाई बहुत ज्यादा तुड़ाई हुई सारे गेंदबाजों की और हाल कुछ ऐसा था कि अगर आज ये कहीं पर भी होते, चाहे सैटेलाइट तक पहुंच जाते, वहां पर भी खतरा ही था पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों को। यानी कि भारतीय बल्लेबाजों का कोई भी जवाब नहीं था पाकिस्तान के इन तेज गेंदबाजों का। देखने वाली बात होगी जब अगला मुकाबला होगा एशिया कप 2023 के अंदर, क्या फाइनल के अंदर फाइनल तक पहुंच पाएगी पाकिस्तान की टीम, वर्ल्ड कप 2023 के अंदर जब भारत पाकिस्तान आमने सामने भिड़ेंगे उस मुकाबले के अंदर क्या होगा। बाबर आजम के बर्थडे से महज एक दिन बाद है मुकाबला, एक दिन पहले है मुकाबला, माफ कीजिएगा, तो उस मुकाबले के अंदर भाई क्या रिजल्ट्स होंगे, एक बार फिर से भारतीय टीम का परचम तिरंगा ऊपर लहराएगा या फिर पाकिस्तान की टीम का जलवा एक बार फिर से वापस आएगा। फिलहाल इस वीडियो